आप देख रहे हैं बीबीसी लाइव, देश और दुनिया की खबर। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं बीबीसी लाइव। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। भारत को मंदिरों का देश कहा जाता है। यहां पर कई प्राचीन और चमत्कारिक मंदिर हैं। इनमें कई मंदिर बेहद रहस्यमयी हैं, जिनमें मध्य प्रदेश का 64 योगिनी मंदिर भी शामिल है। भारत में 4 64 योगिनी मंदिर हैं, उड़ीसा में 2 मंदिर हैं और मध्य प्रदेश में 2 हैं। लेकिन मध्य प्रदेश के मुरैना में स्थित 64 योगिनी मंदिर सबसे प्राचीन और रहस्यमयी है। भारत के सभी 64 योगिनी मंदिरों में यह इकलौता मंदिर है जो अभी तक ठीक है। मुरैना में स्थित यह मंदिर तंत्र मंत्र के लिए दुनिया भर में जाना जाता था। इस रहस्यमयी मंदिर को तांत्रिक यूनिवर्सिटी भी कहते थे। यहाँ पर दुनिया भर से लाखों तांत्रिक तंत्र मंत्र की विद्या सीखने के लिए आते थे। आइए जानते हैं मुरैना में स्थित प्राचीन और रहस्यमयी 64 योगिनी मंदिर के बारे में। मध्य प्रदेश का प्राचीन 64 योगिनी मंदिर गोलाकार है और इसमें 64 कमरे हैं। इन सभी 64 कमरों में भव्य शिवलिंग स्थापित है। ये मंदिर मुरैना के जिला मुख्यालय से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मितावली गांव में बना ये रहस्यमयी मंदिर दुनिया भर में प्रसिद्ध है। इस अद्भुत मंदिर का निर्माण करीब 100 फुट की ऊंचाई पर किया गया है और पहाड़ी पर स्थित ये गोलाकार मंदिर किसी उड़न तस्करी के समान नजर आता है। इस मंदिर तक पहुंचने के लिए 200 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। मंदिर के बीच में खुले एक मंडप का निर्माण किया गया है जिसमें एक विशाल शिवलिंग स्थापित है। बताया जाता है कि ये मंदिर 700 साल पुराना है। इस मंदिर का निर्माण कच्छप राजा देवपाल ने 1323 ईस्वी विक्रम संवत 1383 में करवाया था। इस मंदिर में सूर्य के गोचर के आधार पर ज्योतिष और गणित की शिक्षा दी जाती थी, जिसका मुख्य केंद्र था। कहा जाता है कि भगवान शिव का मंदिर है, जिसकी वजह से लोग तंत्र मंत्र सीखने के लिए यहां आते थे। 64 योगिनी मंदिर के हर कमरे में शिवलिंग और देवी योगिनी की मूर्ति स्थापित थी, जिसकी वजह से इस मंदिर का नाम 64 योगिनी मंदिर रखा गया था। हालांकि कई मूर्तियां चोरी हो चुकी हैं, इसके चलते अब बची मूर्तियों को दिल्ली स्थित संग्रहालय में रख दिया गया है। 101 खंभों वाले इस मंदिर को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने प्राचीन ऐतिहासिक स्मारक घोषित किया हुआ है। बताया जाता है कि ब्रिटिश आर्किटेक्ट एडविन लुटियंस ने मुरैना में स्थित 64 योगिनी मंदिर के आधार पर ही भारतीय संसद को बनवाया था, लेकिन ये बात किसी बात में लिखी गई है और न ही संसद की वेबसाइट पर ऐसी कोई जानकारी दी गई है। भारतीय संसद न सिर्फ इस मंदिर से मिलती है बल्कि इसके अंदर लगे खम्भे भी मंदिर के खम्भों की तरह ही दिखते हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि आज भी यह मंदिर भगवान शिव की तंत्र साधना के कवच से ढका है। इस मंदिर में किसी को भी रात में रुकने की अनुमति नहीं है। तंत्र साधना के लिए प्रसिद्ध 64 योगिनी मंदिर में भगवान शिव की योगिनियों को जागृत करने का कार्य होता था। मान्यता है कि मां काली का 64 योगिनी माता अवतार और घोर नाम के राक्षस के साथ युद्ध लड़ते हुए आदिशक्ति काली ने इस रूप को धारण किया था। ये रहस्यमय मंदिर एकतेश्वर महादेव मंदिर के नाम से भी मशहूर है। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बीबीसी लाइव।